आज दिखेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। शाम 5:20 से भारत में देख सकते हैं कुदरत का अनोखा नजारा। सुबह से ही शुरू हो गया सूतक काल, नदी किनारे श्रद्धालुओं का लगा तांता। कारोबार क्या ये हर जनमानस पे असर डालेगा, क्योंकि एक ही पाक में दो ग्रहण पड़े हैं। एक पाक दो गहना, गहना राजा मरेगी। 15 दिनों के अंतराल पर ये दूसरा ग्रहण होगा। 25 अक्टूबर 2022 को लगा था साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। कार्तिक पूर्णिमा पर सुबह सुबह पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं की भीड़, लगाई आस्था की डुबकी। सूतक काल की वजह से बद्रीनाथ के कपाट सुबह 8:15 किए गए बंद। शाम 6:45 पर पूजन के लिए खुलेंगे कपाट। सूतक काल की वजह से हरिद्वार में भी बंद किए गए मंदिरों के कपाट शाम 6:20 पर फिर खोले जाएंगे। गंगा आरती भी आज 1.25 घंटे लेट से होगी। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर सुबह लगा भक्तों का तांता, गंगा में लगाई डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा पर धर्म नगरी अयोध्या में सरयू तट पर जुटे श्रद्धालु, स्नान कर किया पूजन अर्चन। कार्तिक पूर्णिमा पर आज वाराणसी में गंगा तट पर उमड़े श्रद्धालु, लगाई आस्था की डुबकी। पटना में भी आज गंगा तट पर उमड़े श्रद्धालु, किया गंगा स्नान। गुरु नानक जयंती भी आज अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की भव्य छटा देखी श्रद्धालुओं ने अरदास की। गुरु पर्व पर रोशनी से जगमगाया पटना सिटी का गुरुद्वारा, श्रद्धालुओं ने प्रभात फेरी निकाली। कार्तिक पूर्णिमा पर ठाणे दीपोत्सव, रोशनी से जगमगाया गणेश मंदिर। सासाराम में सोमनाथ मंदिर की स्थापना, बड़ी संख्या में साधु संत जुटे। देव दीपावली पर 21 लाख दीपक से जगमगा गई काशी, पहली बार 3D प्रोजेक्शन मैपिंग देख झूम उठे लोग। ट्विटर पर घंटों ड्रॉप, ये टॉप ट्रेंड करता रहा हैशटैग काशी की देव दीपावली, 21 करोड़ से ज्यादा यूजर्स तक पहुंचा। देव दीपावली पर रोशनी से नहाई कृष्ण की नगरी मथुरा, यमुना के 25 घाटों पर 5 लाख से ज्यादा दीपक जलाए। देव दीपावली पर हरिद्वार में मनी दिवाली, रोशनी से नहाया गंगा घाट। देव दीपावली पर संगम किनारे जले 11 लाख दिए, भव्य नजारा दिखा। बीजेपी के पुरोधा लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन आज। 96 साल के हुए लालकृष्ण आडवाणी, पीएम मोदी ने घर जाकर दी बधाई। पीएम मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी को भेंट किए लाल रंग के गुलाब। 96 साल के आडवाणी का दिखा खुशनुमा चेहरा। 40 मिनट तक लालकृष्ण आडवाणी के घर पर रुके पीएम मोदी, किया संवाद, लिया आशीर्वाद। लालकृष्ण आडवाणी के घर पहले पहुंच गए थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फूलों का सुंदर बुके भेंट कर जन्मदिन की बधाई दी। राजनाथ सिंह ने किया ट्वीट, देश समाज और दल की विकास यात्रा में आडवाणी जी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु आयु की करता हूं कामना। आज से दिल्ली में होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, गुजरात के लिए उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मोहर। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, पीएम मोदी भी होंगे शामिल, गुजरात में सीएम रहेंगे मौजूद। आपने गुजरात के लिए जारी की उम्मीदवारों की 11वीं लिस्ट, नई सूची में 12 नाम, अब तक 151 प्रत्याशियों का ऐलान। गुजरात में सीएम केजरीवाल के 5 दिन के दौरे का आखिरी दिन, जूनागढ़ में करेंगे 3 रोड शो। गुजरात के पूर्व आईपीएस डीजी वंजारा आज अपनी पार्टी का करेंगे ऐलान, एनकाउंटर केस में आरोपी रहे वंजारा। हिमाचल के रामपुर में कांग्रेस पर बरसे जेपी नड्डा का, कांग्रेस ने लोगों को गुमराह किया, परिवार के नाम पर वोट मांगना गलत, शिमला में भी लोगों को संबोधित किया। मंडी में सीएम योगी ने बीजेपी के उम्मीदवार पूरन चंद्र ठाकुर के लिए मांगा वोट, ऊना में राहुल, प्रियंका पर कसा तंज, बोले जब भी देश में आता है संकट दोनों हो जाते हैं खाया। राजनाथ सिंह ने हिमाचल चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर कसा तंज, कांग्रेस को बताया व्हाइट बॉल तो आम आदमी पार्टी को कहा नो बॉल। हिमाचल में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के ताबड़तोड़ रैली, मंडी और ऊना में बीजेपी सरकार को घेरा। आज महाराष्ट्र के नांदेड़ में निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी के साथ देखी हजारों समर्थकों की भीड़। कल राहुल गांधी ने तेलंगाना से महाराष्ट्र में की थी एंट्री, मशाल लिए नांदेड़ पहुंचे थे राहुल गांधी।
महाराष्ट्र पहुंचते ही राहुल गांधी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर नमन किया, कहा देश की एकता की ये मशालें बनेगी मिसाल। महाराष्ट्र में 14 दिन तक चलेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, शरद पवार उद्धव ठाकरे भी होंगे शामिल। फिल्म केजीएफ 2 का गाना इस्तेमाल कर घिरी कांग्रेस, बेंगलुरु कोर्ट ने भारत जोड़ो और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को फौरन ब्लॉक करने के आदेश दिए। फॉन्ट बड़ा कर दो। कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस का बयान, आदेश की कॉपी का इंतजार, ले रहे कानूनी सलाह। सुप्रिया सुले को अपशब्द के खिलाफ, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री के खिलाफ एनसीपी का प्रदर्शन, अब्दुल सत्तार के घर कार्यकर्ताओं का हंगामा, बंगले पर भी किया हमला। सुप्रिया सुले के खिलाफ अपमानजनक बयान पर भड़के आदित्य ठाकरे, कहा मंत्री की अभद्र भाषा शर्मनाक। शर्म आती है कि मेरे राज्य में कोई घटना भाये मंत्री ऐसी बात भी कर सकता है, लेकिन पूरा लक्ष्य अभी जो भी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन क्या कार्रवाई करती है उसमें रहेगा। मुंबई में शिवाजी के नाम पर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने किया बवाल, फिल्म हर हर महादेव की स्क्रीनिंग रोकी, कहा इतिहास से छेड़छाड़ की कोशिश। महाराष्ट्र के हर हर महादेव फिल्म पर गरमाई से आजाद, एनसीपी ने फिल्म में शिवाजी के चरित्र को गलत ढंग से पेश करने का लगाया आरोप, बंद कराए फिल्म तो एमएनएस कार्यकर्ताओं से हुई झड़प, फिल्म जारी रखने के पक्ष में है एमएनएस। एआईएमआईएम ने वंदे भारत एक्सप्रेस में असदुद्दीन ओवैसी पर हमले का लगाया आरोप, वंदे भारत एक्सप्रेस से अहमदाबाद से सूरत जाते वक्त ट्रेन में हुआ पथराव। एमआईएम नेता बारिश पठान को आरोप की ट्रेन में जिस सीट पर बैठे थे ओवैसी उसी खिड़की के शीशे पर मारा गया था पत्थर, टूटे शीशे की दिखाई तस्वीर। वारिस पठान खुद भी वंदे भारत एक्सप्रेस में ओवैसी के साथ मौजूद, कहा पत्थर का निशाना ओवैसी थे, बाल बाल बचे, जांच की मांग की। सूरत पहुंचने को 22 से 25 किलोमीटर बाकी था, इतने में धार से पत्थर आकर गिरता है ट्रेन के कांच के ऊपर, 10-15 सेकंड में किसी ने दो पत्थर लगातार उठा के मार। एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी तैयार, मिशन जन संवाद के जरिए जनता तक पहुंचेगी आप। एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी कसी कमर, स्क्रीनिंग कमेटी में बदलाव, डॉक्टर अजय कुमार को मिली बड़ी जिम्मेदारी। एमसीडी चुनाव लड़ेगी शरद पवार की पार्टी, 250 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को कल नहीं मिली जमानत, 9 नवंबर को फिर कोर्ट में सुनवाई। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने कसा शिकंजा, पूर्व मंत्री परेश अधिकारी से पूछताछ। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सीएम शिवराज के सामने खोली एमपी में खराब सड़क की पोल, कहा 400 करोड़ की लागत से बन रही खराब सड़क से दुखी। ये 400 करोड़ का 63 किलोमीटर टू लेन पेव शोल्डर का जो काम हो रहा है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। गजवाए हिंद को लेकर बाबा रामदेव का बड़ा बयान, कहा निपटने के लिए प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की जोड़ी ही काफी। अब ये गजवाए हिंद चलने वाला नहीं है, अब ये सिरकण से जुदा इसलिए नहीं चलने वाला, इनको संभालने के लिए तो मोदी जी और अमित शाह ही बहुत है। शराबबंदी पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक, शराब तस्करी और बिक्री के खिलाफ सख्ती के आदेश। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट मोहर से बीजेपी गदगद, मोदी सरकार की बड़ी जीत बताया। सवर्ण आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया स्वागत, कहा मोदी सरकार गरीबों को ध्यान में रखकर करती है फैसला।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता उदित राज ने उठाया सवाल, फैसला देने वाले जजों को बताया जातिवादी मानसिकता वाला। सीजीआई यूयू ललित का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दिया फेवल, आज रिटायर हो रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आज G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट जारी करेगा भारत, शाम 4:30 बजे पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल अनावरण। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने उठाई सवाल। जौहर यूनिवर्सिटी में भारी पुलिस बल की तैनाती, हाईकोर्ट पहुंचे आजम खान। राज्यसभा के स्टैंडिंग समितियों का पुनर्गठन, उपसभापति हरिवंश को 3 समितियों की कमान। मध्य प्रदेश में 27 IAS अफसरों का ट्रांसफर, कई जिलों के कलेक्टर बदले गए। महाराष्ट्र में 118 DCP और SP लेवल के अधिकारियों का तबादला।